नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन इंडिया हिंदी में। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। खासकर इसका प्रकोप ईरान में काफी तेजी से फैलता जा रहा है। बता दें, कोरोना वायरस से ईरान में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 593 लोग संक्रमित बताए गए हैं। हालांकि मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। ईरान में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, इस दौरान खबर आ रही है कि बीमारी की चपेट में आने से ईरान के एक सांसद की शनिवार को मौत हो गई। मोहम्मद अली रमजानी दस्तक पिछले हफ्ते ही सांसद चुने गए थे और उनकी मौत हो गई है। ईरान के कई नेता कोरोना की चपेट में हैं। डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर इराज हरिरजी भी कोरोना से संक्रमित है। ईरान पर कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को छिपाने के भी आरोप लगे हैं। सांसद मोहम्मद अली रमजानी की मौत शनिवार की सुबह तब हुई जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। देश में आम लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचे। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक ईरान में 43 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 593 लोग संक्रमित बताए गए हैं। हालांकि इस आंकड़े पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई मीडिया चैनलों ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाए हैं कि इस बीमारी से कम 210 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका इससे पहले ईरान पर आरोप लगा चुका है कि वो शायद कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छिपा रहे हैं। बता दें, चीन में कोरोना से 2700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।